42 सेकेंड है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, एक रॉड परपेंडिकुलर रॉड है, ठीक है। यानी कि आप इसको नोटिस करोगे इस डायग्राम को ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जो रॉड होता है ना उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट। तो ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है। इसी तरीके से इसके वृत्त जो है वो भी पैरेलल है। अपने आपको नोटिस करना है कि ये जो अपर पार्ट है ना और ये जो लोअर पार्ट है ये पैरेलल है। ये पैरेलल वर्ड पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ना गैप हो जाएगा और इस गैप को हम कहेंगे डीएक्स। ना ये डीएक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी लेंथ इसी छोटे लेंथ के अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ना इस डायग्राम को अच्छे से अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसको रब कर लेता हूँ पहले मैं। ओके सो एक रेक्टेंगुलर स्लैब ड्रॉ करना है हमें। फाइन, एक रेक्टेंगल है। अब आप इसको नोटिस करो कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास कहाँ कंसनट्रेटेड होगा, तो ये बीचों बीच वाला पॉइंट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में हो, पर क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच मिलेगा हमें। अब हमें कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, जैसे मास पर यूनिट लेंथ। वही मैंने समझाया था, किसी के लिए पर यूनिट इतना हो सकता है, किसी के लिए इतना सारा पर यूनिट हो सकता है, वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। तो हम इसको अगेन रब कर लेते हैं और मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो मैं निकला हूँ यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, वो निकल के आएगा अपने पास। टोटल मास है एम और पर यूनिट को हम एल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल के आ गया मास पर यूनिट लेंथ, एल निकल के आ गया। अब छोटे से एलिमेंट का अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ, किसी के लिए छोटा सा एलिमेंट इतना पोर्शन है, अब इसको हम डीएक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे कितना मास होगा, तो यहाँ पे कितना मास होगा इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई वो पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डीएक्स से, डीएक्स अपना स्मॉल एलिमेंट था। अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है आई इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। जो मास है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, एम डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ एक्स। वट वॉज एम, एम वॉज टोटल मास। वट वॉज एल, एल वॉज पर यूनिट लेंथ। एंड वट वॉज डी एक्स, डी एक्स जो था आपका वो डी एक्स एक स्मॉल एलिमेंट का पोर्शन था, यानी यू कह लो एक बड़े एलिमेंट का एक स्मॉल पोर्शन था। बहरहाल ये एम निकल चुका है अपना, ये यहाँ पे देखो ये जो एम निकल चुका है, अब इस एम को हम सॉल्व करेंगे। तो इस एम को हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। हाँ जी, तो आई इज इक्वल टू, अब आई तो निकलता नहीं है क्योंकि हम डी आई निकालते हैं, छोटी सी वैल्यू निकालते हैं। तो डी आई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस का स्क्वायर था, तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स मान लो तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ओके फाइन, अब डी आई एम की वैल्यू पीछे निकाला था, एम डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डॉट एक्स का स्क्वायर। अब अगर आपको पूरे का चाहिए ना तो इंटीग्रेट कर दो, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ ना तो ये मिल जाएगा डी आई इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स, थोड़ा अरेंज कर लिया हमने और इधर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। नोटिस करने वाली बात यह है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। और एक और चीज़, जब भी आप कभी एक रेक्टेंगुलर लेंथ की बात करते हो तो माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक चलता है, मगर पूरे की लेंथ एल है तो यार यहाँ वाला अरे आप बीचों बीच निकालते हो तो इसकी वैल्यू तो एल बाई टू हो जाएगी ना, इतने की वैल्यू एल बाई टू हो जाएगी, और अगेन इतने की वैल्यू क्या प्लस एल बाई टू हो जाएगी, और ये ओरिजन है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। अब यहाँ पर लिमिट भी इसी तरीके से देंगे, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस का एल बाई टू तक। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है डी आई का, तो डी आई का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल आई, ठीक है। और यहाँ पे जो एम है और जो एल है वो अपना कांस्टेंट है, उसको आप भूल जाओ, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री, और फिर वही लिमिट यहाँ पे एज इट इज़ जो थी उसी को हम पुट कर देंगे ना। इस वाले पोर्शन को मैं क्लीन कर लेता हूँ और यहीं पर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो आगे बढ़े और यहाँ पे कांस्टेंट एक और मिलेगा मुझे, और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है थ्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m, और ये 2 इंटू थ्री, ये हो जाएगा आपका 6। ओके तो ये आ गया आपका 6, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 बाहर, और यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब की जगह ये वैल्यूज पुट कर लो। तो एक्स क्यूब की जगह मैं एक बार वैल्यू पुट करूँगा माइनस का l बाई टू का क्यूब, और एक बार पुट करूँगा प्लस का l बाई टू का क्यूब, ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएगा। अब जब पूरे वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लोगे तो i की वैल्यू निकल के आ जाएगी एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग अ थिन यूनिफॉर्म रॉड।
ये 42nd क्वेश्चन है एस एल अरोरा के अकॉर्डिंग, आप इसको सॉल्व कर लेना। एक और पार्ट बचता है इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन। जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों होता है, ठीक है, और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में रेडियस ऑफ गायरेशन जानना है तो वो होता है एम के स्क्वायर, राइट। अब एम के स्क्वायर, इधर आई की वैल्यू हमने अभी भी सॉल्व की है, वो आपके पास है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और ये आ गया आपका एम के स्क्वायर, तो ये वैल्यू एम से एम कट जाएगा, राइट। और जब यहाँ पे के सॉल्व करोगे तो वो निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा के इज इक्वल्स टू एल 2√3। तो यार ये ना हमने एक थिन यूनिफॉर्म रॉड में सारी वैल्यूज निकाल ली है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया। एस एल का 42nd क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कर लेना।